एक बार एक सास थी, उसने बहू ढूंढ लिया। और जैसे बहू घर आई, नया नया शादी हुआ था, शुरुआत में तो बहुत डर लगता था। बहुएं जो पहली पहली बार आती है ना, तो इतना सुशील बनती है जैसे उसको बोलना ही नहीं आता हो, बहुत धीरे धीरे बोलती है। सास से बहुत ज्यादा डरती थी। अब सास ने सोचा बहू कितनी अच्छी है, उसको बोलना ही नहीं आता, बोलती भी है तो बिल्कुल छोटी सी आवाज में, सबको बहुत प्यार से बात करती है। लेकिन सास रोज डांटती थी, मैं अगर प्यार करूं तो कहीं बहू बिगड़ न जाए, रोज डांटती थी। बहू भोजन बनाती थी, रोज कुछ ना कुछ कमियां सास बताती थी, और बहू रोज सहन करती थी। और एक बार बहू ने दाल चावल बनाया, सास जैसे खाती है तो एक कंकड़ मिला, एक पत्थर मिला, तो सास ने खूब डांटा। एक एक चावल को अच्छे से देख नहीं सकती थी, एक एक चावल को साफ करके उसको बनाना है, एक एक चावल को देख नहीं सकती थी, खूब डांटा। आज बहू ने सोचा सालों से मैं शांति से सुन रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि रोज डांट सुनो। तो बहू ने आज बोल ही दिया, सासू माँ जैसे आपने कहा एक एक चावल को देख करके नहीं बना सकती थी, तो मैं भी आपको कहना चाहूंगी कि आप कभी कभी एक दो पत्थर को नहीं खा सकती हैं क्या? एक दो पत्थर चबा ही दो, समस्या ही दूर हो जाएगा। प्यार से बोलो। तो मेरा तो निवेदन यही है, घर में जब आप रहते हैं तो प्यार से रहो। एक जो कन्या होती है अपने पिता के घर को छोड़ करके आपके घर में आती है, और वहां आने के बाद उसके माता पिता ही, सास ससुर ही माता पिता बन जाते हैं। जिस प्रकार से वो कन्या अपने माता पिता को छोड़ के आपके घर में पूरे जीवन बिताने के लिए आई है, तो यहाँ पर सास को भी समझना चाहिए। आज के बाद इस कन्या के, इस लड़की के माता पिता हम हैं। तो आप जितना प्यार अपने बेटी से करते हो, आप अपनी बेटी को डांटते हो रोज, छोटी छोटी बात पर परेशान करते हो, नहीं करते ना। आप ये चाहते हो कि हमारी बेटी खुश रहे, बस वो जो विचार है, बहू के लिए भी सोच लो, हमारी बहू खुश रहे, प्यार करो। और बहू को भी ये सोचना चाहिए, हम एक माता पिता को छोड़ के आए, अब यहाँ पर पति के माता पिता ही मेरे अपने माँ बाप हैं। जिस प्रकार से मैं अपने माता पिता को रोते हुए नहीं देख सकती, उसी प्रकार अपने सास ससुर को भी रोते हुए नहीं देखना चाहती। बस दोनों अपने सोच को थोड़ा सा अलग कर दें, थोड़ा सा सुधार लें, तो आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। कहते हैं जिस घर में सास बहु माँ बेटी के समान रहे, वो घर स्वर्ग समान हो जाता है। और ऐसे घर में माता लक्ष्मी वास करती है। प्यार से बोल दीजिए ना, जोर से बोलो ना जी, आप लोग भी बोल दो ना।